हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजे ऑपरेटिंग के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीजे ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे शुरुआत से लेकर एंड तक। एक एक का हर चीज़ आपको बताऊँगा यहाँ पर कि आपको कैसे कनेक्शन करेंगे, कैसे इसको ऑपरेटिंग करेंगे, कैसे ऑन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसमें जो मिक्सर एम्पलीफायर जनरेटर होता है उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास है मिक्सर है, क्रॉसओवर है, दो एम्पलीफायर है यहाँ पर CA18 और नेक्सप्रो CX7000 का, जो कि बेस और टॉप के लिए है। यहाँ पर जनरेटर है, जैसे कि आप लोग जनरेटर से चलाते हैं डीजे को, तो जनरेटर इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ होता है दोस्तों डीजे में या फिर लाइव साउंड में, जो जहाँ में भी आप जो डीजे ऑपरेट करते हैं ना, पहले आपको करना क्या पड़ता है कि कनेक्शन करना पड़ता है आपको, जो भी मतलब जितना भी लगाते हैं, जितना भी टॉप लगाते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं, आपको मिक्सर क्रॉसओवर एम्पलीफायर का पहले आपको कनेक्शन देना होता है। तो सबसे पहले वही चीज़ आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, कनेक्शन के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें हम लोग मिक्सर क्रॉसओवर एम्पलीफायर बेस टॉप वगैरह वगैरह सब कुछ कनेक्शन करके रखे हैं, वो वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हम लोग कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर जो इस CA18 में आपको चार टॉप चलेगा, इसमें चार बेस चलेगा नेक्सप्रो CX7000 में। तो आपको क्या करना पड़ता है, मिक्सर से क्रॉसओवर इनपुट आउटपुट लेके यहाँ पर सब कुछ करके आपको कनेक्शन करना है। उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने बना के रखे हैं जो कि कनेक्शन के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, आप चाहे तो वहाँ पे जाके कनेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। अगर उसमें बताना लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा, सभी भाई को कनेक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप कनेक्शन कर लीजिए प्रॉपर, और कनेक्शन करने के बाद और एक चीज़ करना है आपको, कोई भी इक्विपमेंट को ऑन नहीं करना है, उसके बाद फिर आप रीचेक कनेक्शन करना है, दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सब ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है कि नहीं। सब एक बार कनेक्शन करने के बाद दोस्तों आपका इक्विपमेंट का सारा, कोई मतलब गलत स्विच ऑन नहीं है या फिर कोई मतलब गलत स्विच, कभी कभार फेडर जो होता है ऊपर चला जाता है, कभी कभार हाथ जो बच जाता है, तो उसी को आपको चेक करना है, क्योंकि गलत चीज़ मतलब ऑन तो नहीं हो गया, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जनरेटर का कनेक्शन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक के लिए आपको सप्लाई देना होता है सारे इक्विपमेंट को, तो उसको भी प्रॉपर आपको कनेक्शन करना होता है, ठीक है। आप लोग वही कनेक्शन सब कुछ जानते हैं, हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग के बारे में, कनेक्शन के बारे में अभी मैं नहीं बात करूंगा। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है, यानी आपको पावर सप्लाई देने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मिक्सर का सारा फेडर आप मतलब जीरो पे रहिएगा, एम्पलीफायर ऑफ रहेगा, और जो वॉल्यूम है नॉब जीरो पे, सभी एम्पलीफायर का वॉल्यूम का नॉब जीरो पे, और मतलब जो मिक्सर का वॉल्यूम नॉब सभी पर जीरो पे रखना होता है पहले, सबसे पहले आपको, ठीक है। और उसके बाद आप चेक कर लेना कहीं आपका कोई फेडर ऊपर तो नहीं है या फिर कोई एम्पलीफायर का वॉल्यूम ऊपर तो नहीं है, उसके बाद आपको जनरेटर को ऑन करना होता है। दोस्तों, जनरेटर ऑन करने के बाद आपको सडन आपको आपका जो एम्पलीफायर या फिर जो भी इक्विपमेंट है ना, आपको पावर नहीं देना है, ठीक है। आपको 2 से 3 मिनट तक आपको वेट करना होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज आते हैं स्टार्टिंग में शुरुआत में, तो आपको ऑन करने से आपका जो इक्विपमेंट है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यही है कि आपको कोई भी इक्विपमेंट ऑन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 मिनट वेट करने के बाद आपको क्या करेंगे, आपको सबसे पहले करना होता है, जो मिक्सर से आपको जो मोबाइल या लैपटॉप में जो चलाना होता है उसका जो इनपुट होता है उसमें आपको इनपुट कर देना होगा पहले, सब कुछ ऑफ रहने जब ऑफ रहेगा उसी टाइम ही आपको यहाँ पर इनपुट कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आप एक एक इक्विपमेंट करके आप ऑन करेंगे। सबसे पहले आप एम्पलीफायर को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एम्पलीफायर को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर जब ऑन करूँगा ना, यहाँ पर सिग्नल लाइट आएगा और यहाँ पर एक प्रोटेक्ट लाइट लिखा हुआ है, आपको देखिए यहाँ पर प्रोटेक्ट लिखा है, वो प्रोटेक्ट भी ऑन होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये एक्टिव हो गया, प्रोटेक्ट आ गया, सिग्नल अभी ऑफ हो गया, ठीक है। अभी ये एक्टिव है, प्रोटेक्ट देखिए थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो दोस्तों, जो भी एम्पलीफायर आप ऑन करेंगे ना, प्रोटेक्ट लाइट ऑफ होने तक आपको इंतज़ार करना है, कोई भी आपको वॉल्यूम नॉब या फिर कोई भी कुछ आपको छिड़कानी यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। सेम नेक्स्ट एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए प्रोटेक्ट है,
पावर है, सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए पावर हो गया, जो प्रोटेक्ट लाइट था वो ऑफ हो गया, यानी यहाँ पर आप अभी का आपका जो एम्पलीफायर है वो सेफ है, आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ऐसा करना पड़ता है, ये प्रोटेक्ट लाइट जब तक आपका ऑफ ना हो तो आप कोई भी इसमें छिड़कानी मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आपको मिक्सर को ऑन करना होता है, तो हम लोग सिंपली में मिक्सर को ऑन कर लेते हैं। देखिए मिक्सर का पावर आ गया और अभी हम लोग क्रॉसओवर को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर का भी पावर ऑन हो गया। आपको ध्यान में रखना होता है कि आपका कोई इक्विपमेंट का कोई मतलब नब वगैरह गलत नब वगैरह ऑन तो नहीं है, उसको आपको ध्यान पहले से आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका जो संग सिलेक्ट कर लेना होता है आपको, ठीक है। पहले तो टेस्ट करेंगे आपका मतलब साउंड सब वगैरह मैचिंग करेंगे, मिड ट्रिपल आपका जो बेस वो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी आपका मिड फ्रीक्वेंसी सबको आपको सेट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊँगा क्रॉसओवर के साथ हम लोग कैसे सेट करते हैं। अभी नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे क्या करेंगे। आपको पहले सबसे पहले करना होगा कि यहाँ पर जो भी आप एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिएगा, सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद आप चैनल वन चैनल टू चैनल थ्री चैनल फोर है, चैनल वन मान लीजिए आप चैनल वन पे इनपुट दिए हैं और चैनल वन में आप एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको प्ले करेंगे अपना मोबाइल या लैपटॉप में। प्ले करने के बाद आपको यहाँ पर इनपुट का जो गेन है यहाँ पर ये आपका शो करना, इंडिकेट शो कर दीजिएगा। उसका शो करने के बाद आपको क्या करना, सिंपली इसका जो फेडर का जो चैनल वन का जो फेडर है इसको पूरा फुल कर दीजिएगा, पूरा फुल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर होगा ना, ये जो गेन है, ये जो गेन है उसको ये कंट्रोल करता है जो आपका इनपुट आता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -30, -15, 0 और +10 dB। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है आपका जो मोबाइल का वॉल्यूम फुल रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब तक आपका ये गेन 0 dB तक ना जाए उसको आप ये गेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़ाया या फिर कम कर सकते हैं। आप रखिएगा 0 dB पे उसको वॉल्यूम को रखिएगा। उसके बाद ये तो आप वॉल्यूम फुल कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मास्टर है, ये है मास्टर वॉल्यूम, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर, ठीक है। मास्टर को खोलते जाइएगा, मास्टर को जब खोलेंगे ना आप, यहाँ पर आपको ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर है, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है dB -30, -20, -10, -7, -4, -2, -0। तो यहाँ पर भी आप मास्टर को तब तक खोलिएगा जब तक जो आउटपुट का जो गेन है वो 0 dB तक ना चला जाए। 0 dB तक जब चला जाएगा तो आपको मास्टर पर मान लीजिए यहाँ तक आपने खोला और 0 dB चला गया, तो मास्टर को आपको यहाँ पर लॉक कर देना होता है, ठीक है। और आपको ज़्यादा नहीं जाना है, 0 dB पे आपको अच्छा साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। और क्रॉसओवर का बहुत ही बहुत काम है इसमें आपका, जो बहुत एक्स्ट्रा मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है क्रॉसओवर को कैसे ऑपरेट करते हैं और क्रॉसओवर के बारे में डिटेल्स आपको जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो देखे तो ठीक है, नहीं तो फिर भी मैं एक वीडियो और यहां पर आपको बना दूंगा, ठीक है। और क्रॉसओवर के बारे में एक्स्ट्रा आपको बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है, बहुत सारा चीजें ऐसे जानने के लिए इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको प्रोग्राम खत्म हो गया, मान लीजिए आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको सिंपली करना क्या होता है, यहां का जो वॉल्यूम वन का जो नॉब का जो आप खोलते हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि ये और मास्टर का वॉल्यूम आप पहले 0 कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग प्रोग्राम ख़त्म करते हैं ना उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो आपका इक्विपमेंट वहाँ पर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप मिक्सर का जो नॉब है ना आपको 0 करने के बाद आप आएंगे एम्पलीफायर की तरफ पे। एम्पलीफायर की तरफ आने से पहले आपको जो मोबाइल पे आपका जो सॉन्ग प्ले हो रहा था उसको आप पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। और एम्पलीफायर में आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका वॉल्यूम इतना खुला हुआ है तो आप एम्पलीफायर का वॉल्यूम आप ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ नहीं करना है मतलब एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम है उसमें 0 पे रख दीजिए, सभी एम्पलीफायर का वॉल्यूम आप 0 पे रख दीजिएगा। फिर एक कर आपको जो आपका मतलब एम्पलीफायर है उसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी मैंने सारा इक्विपमेंट आप ऑफ कर दिया है अभी, ठीक है। तो अभी ऑफ करने के बाद क्या होता है, आप पहले मिक्सर को ऑफ कीजिएगा, फिर क्रॉसओवर को, फिर एम्पलीफायर को ऑफ कीजिएगा। ऑफ करने से पहले आपको वॉल्यूम सारा नॉब 0 करना है, 0 करने के बाद ही आपको ऑफ करना है, आपका वॉल्यूम मतलब यहाँ तक का होगा और आपको ऑफ नहीं करना है, ठीक है। अभी आपका जो जनरेटर चल रहा होगा, आपका बोर्ड पे जो इलेक्ट्रिक आ रहा होगा उसको MCB लगा हुआ है, जो भी कुछ भी लगा है उसको ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको जनरेटर को ऑफ करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको जनरेटर सारा इक्विपमेंट चल रहा होगा, डायरेक्ट आपको जाके जनरेटर को ऑफ नहीं कर देना, उसमें आपका सारा इक्विपमेंट खराब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो वोल्टेज है फ्लैक्चुएट होता है, अप डाउन हो जाता है, उसमें आपका इक्विपमेंट खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी
इस तरह से आप ऑफ कर सकते हैं और अपना इक्विपमेंट आप संभाल सकते हैं। फिर जैसे आप सेफ्टी रखते हैं, सेफ्टी रखने के बाद आप अपना प्रोग्राम ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों इसमें और बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने ये आपको ऐसे ही बता दिया, इसको मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा, पूरा टेस्ट करके पूरा बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और क्रॉसओवर का एक डिटेल्स वीडियो इसमें आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो क्रॉसओवर के लिए एक्स्ट्रा वीडियो मैं आपको एक कैसे ऑपरेट करते हैं क्रॉसओवर को उसके बारे में एक वीडियो आपको बना के दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट वीडियो डीजे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।